विफाकी हुकूमत के अहम फैसले, फिरदौस ताशी कवान फारिग, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम का मौवन खसूसी बराए इत्तला तैनात कर दिया गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले, फिरदौस ताशिक अवान को डी नोटिफाई कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को फिरदौस ताशिक अवान की जगह वजीर आजम के मौबन खसूसी बराए इत्तला तैनात कर दिया गया। जबकि सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर इत्तला का ओहदा दे दिया गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इन इकदामात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। ख्याल रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के पास सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन का ओहदा भी है। इन्हें गुज़श्ता साल नवम्बर में 4 साल के लिए साहम ओहदे पर तैनात किया गया था। बात रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पाक फौज के सबक तर्जुमान और कमांडर सदरन कमांड के तौर पर भी अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं।